हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि होता है ऑप्शन ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट। और इसके ऊपर हम एक धमाकेदार स्कैनर बनाएंगे और इस स्कैनर से आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में जो ऐसा स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये स्कैनर आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके अंदर आपके ऑप्शन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ऑप्शन ग्रीक्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ज़्यादा जो है, जो बहुत ज़्यादा जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं, वो हम बिल्कुल भी यूज़ करते हुए संक्षेप में सिंप्लीफाई करके आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा ट्रेडिंग लैब का नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर सकते हैं। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है और यहाँ पर आपको बेल आइकन आ जाएगा ताकि जो भी वीडियोज़ आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ग्रीक्स 5 होते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन ग्रीक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे, और जो ऑप्शन ग्रीक सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हम उस पर ही फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और रो। और देखिए, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक होता है सबसे पहला, वो होता है दोस्तों थीटा। जब भी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में आपको जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, सिंपल वे में समझते हैं, 32900। आप देखेंगे कि 32904 पे मेरा बैंक निफ्टी खड़ा है, तो यानी 32900 की जो मेरी कॉल है दोस्तों, वो मेरी इन द मनी है, क्योंकि 32900 पार कर चुका है और वो 32904 पे आ गया, 4 पॉइंट ऊपर। तो ये जो 476 का प्रीमियम है इस कॉल का 32900 की, दोस्तों इसके अंदर 4 पॉइंट की मनी वैल्यू है और इसके अंदर बाकी जो बचती है वो टाइम वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि 32900 पे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है 12 मई को, तो ये वाली कॉल के अंदर 472 पॉइंट्स, अगर आप इस ऑप्शन को सेल करते हैं तो 472 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये जो है दोस्तों, थीटा का कॉन्सेप्ट होता है। थीटा इसके अंदर टाइम वैल्यू होती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम आता जाएगा थर्सडे का, तो यहाँ पर ये थीटा ऑटोमेटिकली डीके होगा, गलने लग जाएगा, थीटा डीके होने लग जाएगा। तो ये होता है दोस्तों थीटा का कॉन्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो दोस्तों डेल्टा का होता है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा के लिए भी मैं ऑप्शन चेन में चलता हूँ। देखिए, ये जो आप इन द एट द मनी वाली कॉल देख रहे हैं 32900 की, इसका जो प्रीमियम होता है लगभग 0.5 से 0.6 के, या 0.5 या 0.6 के आसपास होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सिंपल वे में बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट का मोमेंटम करता है ऊपर की तरफ, तो ये मेरी कॉल जिसका कि डेल्टा है 0.5, इसका मतलब ये बताता है कि इसका जो प्रीमियम है वो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी 476 प्लस 50 हो जाएगा इसका प्रीमियम अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ चलेगा। जैसे जैसे आप इन द मनी जाते जाएंगे, इन द मनी का मतलब ये हुआ जो लेवल्स कॉल की साइड से अचीव हो चुके हैं, बैंक निफ्टी अचीव करके ऊपर जा चुका है, तो कॉल की साइड से जो लेवल्स अचीव कर चुका है, 32900 से आप नीचे जाएंगे 32700, 600, वैसे वैसे आपका डेल्टा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर डेल्टा जो है दोस्तों, जैसे जैसे इन द मनी जाएंगे 0.8 0.9 के आसपास हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 31,000 की कॉल को ट्रेड करते हैं तो आपकी वो ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह ही बिहेव करेगी, कि जब भी आपका बैंक निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है वो मोमेंटम करेगा 100 पॉइंट का, तो वो कहीं ना कहीं 90 पॉइंट का मोमेंटम आपकी कॉल करेगी ही करेगी। तो ये डेल्टा का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है दोस्तों, जो लिक्विड भी हो, जो ये बहुत दूर भी ना हो, और जो बहुत देखिए, जब भी मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में तो आपके लिए कैलकुलेशन करने में टाइम ना बर्बाद हो, उसके लिए आप स्कैनर बनाते हो। स्कैनर एक तरह का आपका एक ऑटोमेटेड मशीन हो जाती है जो आपका टाइम बचा देती है। तो ये स्कैनर हम बनाएंगे जिसमें कि एक ऑप्टिमम वैल्यू जो है, देखिए मान लीजिए आप जब ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी 34,000 पे आ गया, तो 34,000 के आसपास आपको कौन सी कॉल को ट्रेड करना चाहिए, वो आपको, या कौन सी पुट को ट्रेड करना चाहिए, एज़ पर द लॉजिक हम बैंक निफ्टी के, जो निफ्टी बैंक के ऊपर हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे और उसके बेसिस पे दोस्तों हमारा एक स्कैनर जो है हमें एक पर्टिकुलर कॉल निकाल के दे देगा कि बैंक निफ्टी जहां खड़ा होगा, और हम ऑप्शन ग्रीक की मदद से एक स्कैनर बनाएंगे।
दोस्तों हम इस स्कैनर को बनाएंगे ज़ीरोधा स्ट्रीक पे, और ज़ीरोधा स्ट्रीक पे आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। और ज़ीरोधा स्ट्रीक की V4 ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस होंगे आपको वो मोबाइल पे डायरेक्टली मिल जाएंगे और काफ़ी हैंडी रहेंगे आपको। तो यहाँ पे दोस्तों ज़ीरोधा स्ट्रीक में मैंने लॉगिन कर लिया है, आप इसमें अपने जो भी आपकी ब्रोकर चॉइस है उससे लॉगिन कर सकते हैं, काफ़ी ब्रोकर्स के साथ टाई अप हो गया है। और यहाँ पे स्कैनर्स में जाएंगे और क्रिएट स्कैन करेंगे, तो हम यहाँ पे स्कैनर बनाएंगे। इसके पीछे कैसे हम स्कैनर बनाएंगे इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम सिंपल जो है ना यहाँ पे बैंक निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर स्कैनर बनाएंगे, और ऑप्शंस जो हम सेलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे जो लिक्विड ऑप्शंस होंगे और जिनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा है डेल्टा को यूज़ करके करेंगे। डेल्टा मैंने आपको पहले भी बता दिया डेल्टा क्या है, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस का डेल्टा हाई होता है और कैसे कैसे जो है डेल्टा मूव करता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंडीशन सिंपल है, सुपर ट्रेंड के नीचे जब मेरा क्लोजिंग प्राइस 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएगा तो हम यहाँ पे हमारी जो है हमारा यहाँ पे जो है एक कंडीशन मीट होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि जब मेरा RSI भी 55 के नीचे जो है चला जाएगा तो ये मेरी शॉर्ट की दूसरी कंडीशन होगी। और यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन होगी वो हमारी डेल्टा के ऊपर होगी, कैसे लगाएंगे यहाँ पे हम स्कैनर में आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना होगा वो बैंक निफ्टी वीकली करना होगा, हम हमेशा फ्यूचर्स पे करते हैं लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में से आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट होके आएंगे, लेकिन जो मेरी कंडीशंस लगेंगी वो निफ्टी बैंक पे लगेंगी। टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे 10 मिनट का, चार्ट टाइप कैंडलस्टिक रहने देंगे और आपको ये बेसिक को यहाँ पे एडवांस पे स्विच को कर देखना होगा कि वो एडवांस पे रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हम सिंबल फंक्शन यूज़ करेंगे, और सिंबल फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल पर डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। और सिंबल फंक्शन अगर आपको यूज़ करना है तो वो दोस्तों मेनली उसका लॉजिक ये होता है कि आप देखिए यहाँ पे हम निफ्टी बैंक यूज़ करेंगे, यानी निफ्टी बैंक के इंडेक्स पे कंडीशंस लगाएंगे सुपर ट्रेंड और RSI की, तो वो सारे कुछ सिंबल फंक्शन के अंदर जाएगा, लेकिन जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स सेलेक्ट होके आएंगे स्कैनर के थ्रू स्कैन जो होंगे वो यहाँ पे वीकली ऑप्शंस पे होंगे। सिंपल लॉजिक ये होता है कि हम सिंबल फंक्शन के थ्रू कंडीशंस किसी और इंस्ट्रूमेंट पे लगाते हैं और जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट होके आते हैं वो हमारे जो नॉर्मल जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के आते हैं। तो यहाँ पे आप निफ्टी बैंक करेंगे और यहाँ पे मैं करूँगा क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस को ज़ीरो रहने देंगे, क्लोजिंग प्राइस जो है वो मेरा लोअर देन होना चाहिए दोस्तों, किससे सुपर ट्रेंड से, जैसा कि मैंने आपको बताया हम शॉर्ट की कंडीशंस देख रहे हैं। और यहाँ पे सुपर ट्रेंड 730, एक और कंडीशन लगाएंगे एंड ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर से मतलब ये कि दोनों कंडीशन जब मीट होंगी तभी मेरा जो है ये सेलेक्ट होके आएगा। तो यहाँ पे RSI 14 का जो है वो लोअर देन होना चाहिए, किससे मैंने आपको अभी फिर बताया 55 से, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा नंबर और नंबर में देना पड़ेगा 55। तो ये मेरी पहली कंडीशन हो गई जो कि मेरी टेक्निकल कंडीशन हो गई निफ्टी बैंक के इंडेक्स पे। दूसरी कंडीशन जो होती है दोस्तों वो है मेरी डेल्टा पे, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, वो ये वाली कंडीशन जो है वो वीकली ऑप्शन पे चलेगी, सिंबल फंक्शन के अंदर जो भी मैंने दिया निफ्टी बैंक के ऊपर वो निफ्टी बैंक पे चलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स हम यूज़ करेंगे, ऑप्शन ग्रीक अब जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन ग्रीक्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे टाइप में तो आपके पास डेल्टा गामा थीटा वेगा रो जो मैंने आपको ऑप्शन ग्रीक्स बताए हैं वो यहाँ पे आएंगे, और हम यहाँ पे डेल्टा यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहने देंगे और डेल्टा जो है मेरा हायर देन एटलीस्ट जो है नंबर देंगे हम किसको 0.4, यानी 0.4 का डेल्टा हम यूज़ करेंगे, 0.4 से ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा, यानी जब भी बैंक निफ्टी एटलीस्ट 100 पॉइंट मूव करे तो मेरा ऑप्शन 40 पॉइंट तो मूव करे। तो यहाँ पे एंड देंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपको इसमें रेंज स्पेसिफाई करनी होती है, 0.4 से ज़्यादा ये 0.9 तक भी जा सकता है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि 0.9 वाले ऑप्शंस इलिक्विड हो जाते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू है तो हमें वो सेलेक्ट नहीं करने हैं। हम यहाँ पे जो है बहुत नैरो सी रेंज रखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा जो है मेरा लोअर देन हो किस से 0.5 से दोस्तों। यहाँ पे फिर से हम नंबर देंगे और 0.5 देंगे, तो 0.4 से 0.5 वाले ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी जो
जहाँ पे भी बैंक निफ्टी चल रहा होगा उसके आसपास यानी 0.5 और 0.4 के ही ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो इससे ये आपको ये रहेगा कि आपके जो मूवमेंट के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और लिक्विडिटी भी ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे स्प्रेड भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो इस स्कैनर का हम नाम देंगे दोस्तों बैंक निफ्टी डेल्टा स्कैनर, और यहाँ पे इसको कर देंगे हम स्कैन एंड सेव। देखिए हम स्कैन एंड सेव करते ही आपके पास ये सारे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। तो इसका यूज़ आपको क्या हुआ प्रैक्टिकली आप देख लो, जो भी आपके कंडीशंस होंगी, और ये देखिए आपको बार बार ऑप्शन चेन के अंदर जाके ये देखना नहीं पड़ेगा मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, आपके पास स्कैनर रन करना है और डायरेक्टली आपके पास स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट होके आ जाएंगे जो भी आपने दिए होंगे यहाँ पे इस रेंज में। आप इसी सिमिलर ग्राउंड्स पे दोस्तों इसको जो है डायरेक्टली आप डिफरेंट डिफरेंट थीटा और गामा और ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेगा रो जो भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी आपको जो है ना, आप जितना इससे प्ले अराउंड करेंगे, जितना आप चीज़ों को और ज़्यादा प्ले अराउंड करेंगे, आप उतना ही इसको दोस्तों सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ना, हमने एक स्कैनर बनाया, हमने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में सीखा और संक्षेप में आसान शब्दों में सीखा प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन चेन में हमने डेल्टा का कॉन्सेप्ट देखा, डेल्टा के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने एक स्कैनर बनाया जिसमें बैंक निफ्टी में कुछ कंडीशंस लगाई और ऑप्शन ग्रीक्स को यूज करके हमने पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस जो कि लिक्विड भी हैं और जो आपके जो अच्छी मूव भी देंगे और लिक्विड भी हैं, दोनों का बैलेंस जिसमें है वो हमने सेलेक्ट किया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें आपसे आसान से आसान शब्दों में शेयर कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों।